गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है नए ब्लॉग की ओर। और आज राजस्थान के अंदर गांव में भयंकर तूफान आया हुआ है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे बिल्कुल पहाड़ भी दिखाई नहीं दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा भयंकर तूफान है। ये सारा कुछ सब यहाँ तूफान के कारण हो रहा है। आप देखिए मेरे पीछे पीछे देखिए कितना भयंकर तूफान आया हुआ है। पहाड़ दिखाई नहीं दे रहे हैं, देखिए दूर तक आंधी तूफान चल रहा है, बहुत ज़्यादा बहुत तेज़ आ रहा है इसके अंदर। इससे बच के रहिए दोस्तों, सुबह सुबह ही स्टार्ट हो गया है, करीबन 6 बजने वाले हैं, 6 बजे के तकरीबन ही आंधी तूफान आया हुआ है। इतना हो उसके बच के रहिए दोस्तों। ये देखिए भयंकर तूफान के कारण कितना मौसम बदल चुका है। गर्मी में सर्दी आ चुकी है, मौसम इतना ज़्यादा ठंडा हो चुका है कि लोगों को फिर से स्वेटर जैकेट पहनने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि ये बिल्कुल देखो फॉग आ चुकी है। मई के एंड के अंदर जो जिस टाइम पे गर्मी पड़ती है बहुत ज़्यादा, उस टाइम पे फॉग आई हुई है। इसका मतलब ये है कि ये जो चक्रवाती तूफान है इसके कारण जितना भी मौसम बदलाव हो रहे हैं ये सभी चीज़ें बीमारी का कारण बन सकती है। और मैं चाहूँगा आप लोग जितना हो सके बच के रहिए, सेफ रहिए, घर पे रहिए और अपनों का साथ देते रहिए, परिवार के साथ रहिए, अच्छा रहेगा। देखो पूरा मौसम बदल चुका है, फॉग आ चुकी है, जैसे कि ये जनवरी दिसंबर का महीना हो वैसे इसके अंदर फॉग आई हुई है। और ये तूफान के कारण देखो कुछ भी हो सकता है दोस्तों। देखिए कैसे फॉग आई हुई है, ऐसा लगता है पहाड़ों में फिर से सर्दी लौट आई है, सर्दी के मौसम वर वही। दोस्तों ये जो आंधी तूफान के कारण मौसम बिगाड़ा है राजस्थान के अंदर, ये सब यास तूफान के कारण है जो कोलकाता में, अभी कोलकाता उड़ीसा में आंध्र प्रदेश के चक्रवर्ती तटीय पर चल रहा है, उसी के कारण जो हो रहा है मौसम में बदलाव आए हैं। सर्दी में मतलब गर्मी में सर्दी का मौसम आ चुका है। और कुछ देखो ग्रामीण लोग अभी टहल रहे हैं मॉर्निंग वॉक, इनको मालूम नहीं है आगे देखो कितना घना तूफान आया हुआ है। देखो आगे दिखाई भी नहीं दे रहा, फॉग इतनी ज़्यादा है कि फॉग के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ ये 200-150 मीटर दूरी पर दिखाई दे रहा है। मौसम का हाल बिगड़ चुका है, सर्दी आ चुकी है, दोबारा से रजाई निकालनी पड़ सकती है। देखिए कैसे फॉग आई हुई है पहाड़ों के अंदर, देखो कह सकते हैं आप कि ये मई का मौसम है जिसके अंदर भीषण गर्मी पड़ती है, 43-44 डिग्री टेम्परेचर पड़ता आता है। तो सब कुछ बदल चुका है दोस्तों, आजकल लगता नहीं कब सर्दी है कब गर्मी है, गर्मी में सर्दी आ चुकी है, भयंकर तूफान के आने की आशंका है। देखिए पूरी तरह फॉग और ये धूल मट्टी दिखाई दे रही है आपको, पहाड़ भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, सिर्फ मेरे नज़दीक जो है 100-150 मीटर दूरी पर दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों जो ये मौसम का हाल बिगड़ा है राजस्थान के अंदर, ये सब ऐसे अचानक से हुआ है। कल बिल्कुल मौसम साफ था और आज मौसम बिगड़ चुका है, हाल खराब हो चुका है। लगता नहीं कि ये तूफान के कारण इतनी ज़्यादा सर्दी आ सकती है। सुबह सुबह जो सर्दी का मौसम आया है ये सबसे ही अलग है, और पूरी फॉग है पहाड़ों के ऊपर, दिखाई नहीं दे रही है।